वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पम्पिंग लेमा एंड द ट्यूरिंग मशीन दोनों के बारे में आज अपन देखेंगे पम्पिंग लेमा के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने कुछ डिस्कस किया था आज वापस कॉन्सेप्ट uh, को थोड़ा रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और अपकमिंग क्लासेज में अपन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यूनिवर्सिटी में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में उन क्वेश्चन uh, को भी अपन डिस्कस करेंगे ठीक है सो बिफोर गोइंग फर्दर आई जस्ट विश टू एक्सप्लेन अगेन अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पंपिंग लेमा एंड लिटल बिट थ्योरी एंड मूविंग फर्दर सी अगर अपन बात करें पंपिंग लेमा की तो देखो दो दो चीजों के लिए पंपिंग लेमा यूज होती है एक तो आपकी रेगुलर लैंग्वेज के लिए और एक कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज के लिए तो यदि एक और एक और चीज ये पंपिंग लेमा यूज क्यों होती है सो so, मैंने आपको बताया था पंपिंग लेमा इज नथिंग बट अ नेगेटिव टेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट टेस्ट नेगेटिव टेस्ट का मतलब क्या हो गया जैसे अगर आपकी कोई माना कि ये पंपिंग लेमा है और आपने कोई लैंग्वेज इनपुट करी ठीक है और ये लैंग्वेज कौन सी है इनफाइनाइट इन्फानेट लैंग्वेज इन्फाइनइट मतलब उसका पैटर्न इन्फाइनइट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोल दूँ ए तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट्स है तो कभी भी फाइनाइट नंबर ऑफ़ स्टेट किसी में भी होते हैं तो उस वो हमेशा रेगुलर होगी बट अगर अपन बात करें इन्फाइनइट फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्जाम्पल ए बी की पावर एन ए की पावर एन फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर बी की पावर एन ए की पावर एन इट इज़ ए इन्फाइनइट नंबर इनफाइनाइट नंबर आपके इसके अंदर है मे बी रेगुलर मे नॉट बी रेगुलर तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं अगर इनफाइनाइट लैंग्वेज है और पंपिंग लेमा के ऊपर अपन टेस्ट कर रहे हैं ठीक है और ये पंपिंग लेमा को दो चीज होती है पंपिंग लेमा की तीन कंडीशन होती है क्या क्या तीन कंडीशन होती है देखते हैं अगर अगर उन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इन तीन कंडीशन को नॉट सेटिस्फाई करता है अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो जो रेगुलर लैंग्वेज है वो जो लैंग्वेज है वो रेगुलर हो भी सकती है या रेगुलर नहीं भी हो सकती है क्या बोल रहा हूँ अगर कोई लैंग्वेज है इन्फाइट लैंग्वेज है और पंपिंग लेमा टेस्ट उसके ऊपर किया जा रहा है और वो उसको सेटिस्फाई करता है ऑल थ्री कंडीशंस को ऑल थ्री कंडीशंस को जितने भी तीन कंडीशन उन तीनों कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो रेगुलर हो भी सकती है और वो रेगुलर नहीं भी हो सकती है लेकिन अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है किसी भी एक कंडीशन को तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डेफिनेटली वो क्या है रेगुलर नहीं है तो पंपिंग लेमा इज अ थ्योरम विच इज यूज और इज अ टेस्ट विच इज यूज टू प्रूव दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट अ रेगुलर वो रेगुलर नहीं है तो किस तरीके से होता है वी हैव एन लैंग्वेज वी पुट

आई होप इस डायग्राम से वो चीज़ आपको क्लियर होगी अब अब उसका जो थ्योटिकल पोर्शन था वो मैं थोड़ा सा कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ फिर उसकी स्लाइड में दो मिनट वापस आपको बताऊंगा देखें यहाँ पर यदि कोई लैंग्वेज एल दे रखी है उसमें अपन कोई पंपिंग लेंथ एन मान लो कहीं कहीं पी लिख रखा है कहीं कहीं एक्स लिख रखा है जो भी आपका सिनोनिम्स उसका यूज हो बट वही पंपिंग लेंथ एन मान ली जिसको अपन नंबर ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं कई कबार कई कबार नंबर ऑफ सिंबल्स भी कहते हैं बहुत सारे नामों से जाना जाता है पर एक कोई इंटीजर लेंथ एन ले ली और जो लैंग्वेज अपनी जो अपन कह रहे हैं कि आ, एक लेंथ जनरेट हो रही है जैसे सपोज मैंने ले लिया डब्ल्यू डब्ल्यू एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ देखें ओके okay. देखें यहां पर सपोज एग्जाम्पल अगर कल का एग्जाम्पल लिया था ए टू दी पावर n बी टू पावर n ये क्या है लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना नहीं समझ में आया तो बता देना लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या है नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्या ये लैंग्वेज यही होगी अगर मैं लिखा ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन और फिर मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बी क्या ये सही है यही लैंग्वेज यही बता रहा है यस और नो क्या लैंग्वेज यही बता रहा है जल्दी बताइए आप लोग कह रहे हैं यस पर इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी अगर मैं आपको लिखूं, दो एग्जाम्पल लिखे हैं यहां पर एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर टू अब मुझे बताइए ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में कौन सा एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल वन आता, आता है या एग्जाम्पल टू आता है बताइए कौन सा एग्जाम्पल आता है इस लैंग्वेज को कौन सा एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है एग्जाम्पल वन या एग्जाम्पल टू वन तो देखो आपको यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि ए इज फॉलोड बाय बी मतलब पहले ए आएगा एंड देन बी आएगा और यह भी लिखना पड़ेगा ए इज फॉलोड बाय बी मतलब बी जो है वो ए को फॉलो कर रहा है पहले ए आएगा फिर बी आएगा तो ये आपकी लैंग्वेज है अब ये लैंग्वेज इन्फाइनाइट क्यों है क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ ए हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ बी हो सकते हैं लेकिन पहले ए आएंगे फिर आपके क्या आएगा बी आएगा आई थिंक यहां तक आपको चीजें क्लियर है अब ये एल है इसकी कोई स्ट्रिंग ले ली कोई भी स्ट्रिंग आप ले सकते हैं जिसको अपन बोल रहे हैं डब्ल्यू कोई भी स्ट्रिंग ले लो सपोज ए टू पावर फाइव बी टू पावर फाइव ये अपन ने स्ट्रिंग ले ली अब यहाँ पे इंटीजर एन जो अपन बात कर रहे हैं ये इंटीजर एन अपन फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं पांच ले लेता हूँ एन इज इक्वल टू अब इसको भी डिफाइन कर सकते हैं मैं वो भी बता दूंगा कहाँ इसका डिफिनेशन आएगी तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ कितनी होगी W की लेंथ आपकी होगी है 2p यानी कि 2n अपन बोल सकते हैं ये यह यहाँ पर कितनी होगी पाँच और पाँच दस ये आपकी लेंथ हो गई है तो कुल मिला के आपकी कोई लैंग्वेज होगी वो लैंग्वेज इनफाइनाइट होगी और उस इनफाइनाइट लैंग्वेज को अपन क्या करेंगे एक स्ट्रिंग लेंगे उस इन्फानट लैंग्वेज की और इस स्ट्रिंग को तीन टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और उन तीन टुकड़ों को जो अपन डिवाइड कर रहे हैं उन तीन टुकड़ों में एक टुकड़ा ऐसा होगा जिसको अपन रिपीट करेंगे फिर भी आपकी लैंग्वेज में अगर कोई चेंजेस नहीं आता है तो वो रेगुलर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। पर अगर चेंजेस आता है इसका मतलब वो डेफिनेटली रेगुलर नहीं है क्या बोला समझते हैं यहाँ पर लेट्स हैव अ लुक देखें चलो देखें यहां पर अब वही चीज अगर कोई लैंग्वेज एल दे रखी है इसमें कोई इंटीजर एन है जिसको अपन नंबर ऑफ स्टेट्स कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टेट्स मतलब किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आपको चाहिए होती है फिर एक अपन ने स्ट्रिंग ले ली डब्ल्यू जिसकी लेंथ जो है वो एन के इक्वल या उससे बड़ी हो सकती है तो इस डब्ल्यू को अपन तीन पार्ट में बांट सकते हैं एक्स Y and Z कितने पार्ट में बांट सकते हैं X, Y एंड Z अब पहली कंडीशन Y जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए कोई ना कोई Y में वैल्यू होनी चाहिए मतलब Y मस्ट भी ग्रेटर देन वी कैन से देन दूसरा X और Y की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू n मान के चल रहे हैं और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जनरली यही अपन चेक करते हैं x y की पावर i x y की पावर i z शुड बी बिलोंग्स टू l शुड बी बिलोंग्स टू l का मतलब क्या हो गया अगर y की पावर i i एनी नंबर ऑफ इंटीजर कोई इंटीजर है या आई एनी नंबर ऑफ इंटीजर आपकी हो सकती है इसको अपन जीरो से भी शुरू कर सकते हैं बिकॉज जीरो होगा तो वाई की पावर कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी जो भी वैल्यू होगी वन हो जाएगी पर जनरली अपन और ग्रेटर देन अपन लिखते हैं जनरल एक्सप्रेशन में तो ये तीन कंडीशन क्या क्या है y जो है वो जीरो से जीरो नहीं होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए लेंथ ऑफ x एंड y मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू द स्मॉल n नंबर ऑफ स्टेट्स अपन जो बोल रहे हैं वो होनी चाहिए और तीसरा जो है दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है वाई तो एक्स वाई की पावर आई जेड मस्ट बी बिलोंग टू एल जहाँ पर आई जो है वो एक से बड़ा कोई भी वैल्यू डालते हैं आप तो कहने का मतलब अगर इस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को डब्ल्यू को अपन ने तीन टुकड़ों में बांटा एक्स वाई एंड जेड इन तीन टुकड़ों में बांटने के बाद ये जो फॉर्मेशन आया इस फॉर्मेशन में y की वैल्यू को आप पंप करो पंप का मतलब रिपीट करो तो रिपीट करने के बाद भी आपके रिजल्ट में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब वो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ये वाला देखो अगर ऑल थ्री कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रेगुलर हो भी सकती है और रेगुलर नहीं भी हो सकती है बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा That must be not a regular. वो रेगुलर regular नहीं है नहीं है नहीं है That is a contradicts test, या यहां तक कोई डाउट किसी को यस yes सुनो no, जल्दी से बताइए एनी डाउट टेलनाओ यहां तक समझ में आया आपको आज पंपिंग लेमा कमेंट करके बताइए सभी लोग फटाफट डाउट ओके ओके मूविंग फॉरवर्ड अब इसी चीज का अगर मैं example लूँ इसको मैं हटा रहा हूं देखो कल वाला example को एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं सपोज कोई याल दे रखी है ये है a की पावर n b की पावर n एक को याल दे रखा है that इज यस करेक्ट अरविंद अरविंद ने कहा है कि टेस्ट इज फेल देन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर करेक्टली टेस्ट फेल होना अपन का मेन एम ही है कि टेस्ट को फेल करना है ताकि अपन कह सकते हैं कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं क्योंकि टेस्ट अगर पास हुआ तो लैंग्वेज रेगुलर हो भी सकती है और लैंग्वेज रेगुलर नहीं भी हो सकती है कट द पॉइंट ओके सो ये एग्जाम्पल देखो ये एल दे रखा है इसी को स्ट्रिंग ले लेते हैं W और यहाँ पे जो पंपिंग लेंथ है उसको अपन एन मान लेते हैं ये अपन ने एन मान लिया यहां पर कोई w है W इज वी कैन से W इज सपोज a टू पावर फाइव b टू पावर फाइव ले लिया ठीक है यहाँ पे अपन ने n बराबर पांच ले लिया a टू पावर फाइव b टू पावर फाइव ले लिया अब इस w को अपन को तीन पार्ट में तोड़ना है कौन कौन से पार्ट में x y और जेड जैसे कल मैंने एग्जाम्पल में दोनों बताए थे इसका नाम आप पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं कुछ भी लिखे कुल मिला के तीन पार्ट में अपन को इसको डिवाइड करना है अब तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो देखो x में ले लेता हूं सपोज a की पावर टू ले लिया y या a की पावर थ्री भी ले सकते हैं एज यू विश सपोज मैं आपको अलग अलग तरीके बता देता हूँ पहला केस में ले लिया a की पावर थ्री की पावर टू बी की पावर वन बी की पावर फोर इस तरीके से भी आप टुकड़े कर सकते हो या फिर की पावर टू की पावर टू एक पावर वन बी की पावर पाँच ये भी आप टुकड़े कर सकते हो या फिर एक ही की पावर थ्री की पावर टू B की पावर फाइव किस तरीके से जिससे आपको अच्छा लगे उस तरीके से टुकड़े करें पर लेंथ ध्यान रखिए अगर एन पांच लिया है तो इसकी वाई की लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी पांच या पांच से कम उससे अधिक ना करें है ना जो आप एन डिवाइड किया था अब किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लो जैसे अपन पहले एग्जाम्पल को लेते हैं तो ये क्या है ए की पावर थ्री A की पावर टू बी की पावर वन बी की पावर फोर ठीक है अब इसको मान रहे हैं अपन x इसको मान रहे हैं अपन y इसको मान रहे हैं अपन z जो कंडीशन लिखी थी सबसे पहली कंडीशन क्या थी y इज ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फुलफिल y जीरो से बड़ा है कंडीशन टू x और y की जो लेंथ है दिख रहा है ना आपको यस x और y की जो लेंथ है मस्ट भी लेस देन इक्व टू एन ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है दोनों कंडीशन आपकी ट्रू है एक्स और वाई की लेंथ मस्ट भी लेस देन इक्वस टू जीरो है और एक्स वाई uh, जो है वो आपका जीरो से बड़ा है ये दोनों आपकी कंडीशन क्या है ट्रू है देन द थर्ड वन वी कैन से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्स वाई की पावर आई जेड मस्ट बी बिलोंग्स टू एल का मतलब क्या हो गया अगर आप y को पंप कर रहे हैं तब भी आपका रिजल्ट एल को बिलोंग करना चाहिए पम करके देखते हैं सपोज अगर मैं इसको करूँ एक्स वाई की पावर थ्री जेड मैंने क्या किया आई की वैल्यू तीन पुट कर दी तो एक्स को एज इट इज लिख देता हूं ए क्यूब वाई की पावर थ्री तो ये कितना हो जाएगा ए टू बी वन ए टू बी वन ए टू बी वन कितनी बार रिपीट हो गया तीन बार रिपीट हो गया अगेन बी की पावर फोर तो आपके पास एट द एंड क्या आएगा a की पावर थ्री ए ए बी ए ए बी ए ए बी बी की पावर फोर क्या ये जो रिजल्ट आया है क्या ये जो रिजल्ट आया है वो इस लैंग्वेज एल को बिलोंग करता है क्या ये रिजल्ट आया है वो लैंग्वेज एल को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है यस और नो बताइए क्या ये जो लैंग्वेज एल आ रही है ये जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है क्या ये बिलोंग कर रहा है इसको जल्दी से बताइए सभी लोग नहीं कर रहा है ना अगर बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन क्या होगी फॉल्स होगी और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो अपन क्या कह सकते हैं नॉट रेगुलर ये लैंग्वेज क्या नहीं है ये लैंग्वेज आपकी रेगुलर नहीं है दैट इज द पंपिंग लेमा यही आपका क्या था पंपिंग लेमा का एग्जाम्पल था नाउ इट इज क्लियर आप समझ में आ गया पंपिंग लेमा यस और नो क्या पंपिंग लेमा आप सबको क्लियर हो गया ओके सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल यू कैन टेक इट स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं क्योंकि ये उस नोट्स में नहीं है आई विल क्रिएट मैंने बनाई है आप ले सकते हैं वीडियो से भी आप चाहें तो

कॉन्सेप्ट सेम होना चाहिए ठीक है आपको समझाने के लिए मैंने सारे टाइप्स के कॉन्सेप्ट समझा दिए देखिए यहाँ पे फॉर एनी रेगुलर लैंग्वेज एल एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज एग्जिस्ट एन इंटीजर एन कोई इंटीजर एन होगा जो भी क्या है नंबर ऑफ स्टेट्स हो सकता है सच दैट फॉर ऑल एक्स ऑल एक्स का मतलब क्या हो गया एक्स मतलब उस लैंग्वेज से जनरेट होने वाली स्ट्रिंग अभी मैंने आपको बताया था ए e की पावर पांच बी की पावर पांच जो कि एल क्वल टू ए टू दी पावर एन बी टू दावर एन जनरेट कर रहा था जहां पर एक्स की लेंथ एन से बड़ी होनी चाहिए अपन ने एक्स की लेंथ एन से बड़ी रखी थी देर एग्जिस्ट यू वी डब्ल्यू उनको अपन यू वी डब्ल्यू में अपन डिवाइड कर सकते हैं जो कि किसको बिलोंग करते हैं सिग्मा स्टार को मतलब उसी स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन को सच दैट यू एक्स वी डब्ल्यू तीन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए कौन कौन सा यू और वी अब पर लिखा था एक्स वाई एंड जेड तो मैंने लिखा था y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 देखो या ग्रेटर देन 0 का मतलब एक या x से बड़ा होना चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 फिर दूसरी कंडीशन मैंने लिखी थी x और y की जो लेंथ है दैट लेस देन इक्वल्स टू n तो यहाँ पर ये यह लिखा है uv की लेंथ एज़ लेस देन इक्वल्स टू n जहाँ पे अपन ने xy लिखा था यहाँ पे अपन ने uv लिखा हुआ है फॉर ऑल i ये ये इंपॉर्टेंट है सबसे इंपॉर्टेंट u v i w अपन ने लिखा था x y i Z must be belongs to L for i greater than equals to one. तो so, i के वैल्यू ये जीरो भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बोला था जीरो भी अपन ले सकते हैं तो यहाँ पे जीरो भी ले रखा है तो जीरो से भी अपन ले सकते हैं तो एक्स वाई जेड की वाई की वैल्यू अपन पंप करेंगे, कितने वैल्यू को अपन रिपीट करें that मस्ट be कम अंडर दिस लैंग्वेज देन वी कैन से इट इज अट इज is और मे नॉट बी रेगुलर बट अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है इसका मतलब डेफिनेटली रेगुलर नहीं है ओके सो इफ सो इफ अ स्ट्रिंग वी इज पंप्ड इट मीन्स वी इज इंसर्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स द रिजल्ट स्ट्रिंग स्टिल रिमेन्स इन एल तो अपन अपन इस पर्टिकुलर वी को कितने भी टाइम पंप करेंगे आपकी स्ट्रिंग किस में रहनी चाहिए एल में ही रहनी चाहिए उस लैंग्वेज को ही बिलोंग करनी चाहिए देन वी कैन से इट मे और मे नॉट बी अ रेगुलर बट इसको अपन फॉलो नहीं करेंगे तब जाके क्या होगा नॉट अ रेगुलर तो यही आपका एग्जाम्पल था ये मैंने अभी जो आपको पढ़ाया उसका स्लाइड शो है आप चाहें तो देख सकते हैं सो इफ लैंग्वेज एल इज एन ए लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था आज इन्फाइनाइट लैंग्वेज होनी चाहिए देर एग्जिस्ट अ सम पॉजिटिव इंटीजर एन पंपिंग लेंथ अपन जिसको बोलते हैं कोई एन अपना पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट सच दैट ए स्ट्रिंग डब्ल्यू इज बिलोंग्स टू एल कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है डब्ल्यू जैसे मैंने लिया था हैज़ लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन एन से बड़ी उसकी स्ट्रिंग लेंथ होगी ये वाला नोटेशन अपन लिखा था कैन बी डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट एक्स वाई एंड जेड सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए आई ग्रेटर देन इक्व टू जीरो बिलोंग्स टू एल वाई इज ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स वाई less than equals to n aur ye maine aapko bataya tha ये आपका एल कोई लैंग्वेज है ये पंपिंग लेमा थ्योरम है आपकी अगर ये फेल हो जाती है तो नॉट अ रेगुलर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये पास हो जाती है तो अनडिसाइडेबल रेगुलर हो भी सकती है और रेगुलर नहीं भी हो सकती है ठीक है सो इट इज अ पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब याद रहेगा आपको पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज यस और नो अंडरस्टूड बाय एवरी वन यस और नो कमेंट करके बताइए ओके, वेरी नाइस सो इट वाज सिंपली ये इसका एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने एक्स वाई जेड लेके बताया है आपको देखें यहाँ पर जो भी मैंने आपको समझाया है वो अपन कर रहे हैं ए की पावर आर बी की पावर एन और ये अपन इस तरीके से कंपेयर कर सकते थे ये एग्ज़ाम्पल कर समझा भी था और एट द एंड आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका इस इसके अंदर नहीं था ये वाली कंडीशन फेल्स हो गई थी जो कि लैंग्वेज में नहीं है इसका मतलब ये लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फ्री नहीं है तो किस तरीके से करते हैं सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी तो अपन को क्या करना है अपन को मान के चलना है कि लैंग्वेज क्या है रेगुलर है अगर अपन ने मान के चला ये लैंग्वेज रेगुलर है तो फिर अपन कंडीशन अप्लाई करेंगे तीन कंडीशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सबसे पहले अपन क्या लेंगे वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से बड़ी लेनी है और एक्स और वाई की जो लेंथ है वो एन से लेस या इक्वल्स लेनी इक्वेंसी एन कोई भी आप इन ले सकते हैं जिसको अपन पम्पिंग लेंथ भी कहते हैं और एट द एंड अपन को कंडीशन चेक कर रही है एक्स वाई की पावर आई जेड जो है उसमें आई की वैल्यू जो है वो अपन इंक्रीज करते हैं तो अभी अगर आपकी लैंग्वेज एल जो है उसी को बिलोंग करता है वो स्ट्रिंग तो आपका कॉन्टेक्ट फ्री हो भी सकता है रेगुलर लैंग्वेज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है पर अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा है डेफिनेटली वो रेगुलर नहीं है तो ये आपकी स्टेप्स इसमें लिखी थी और ये इसमें अपन ने समझाता ठीक है और ये सेकंड चीज ये भी सिमिलर है अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दूसरा कुछ भी नहीं है दूसरा मैंने आपको बताया था कि किसी लैंग्वेज को अपन कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज को अपन पांच टुकड़ों में बांट सकते हैं तो एक्स वाई यू वी देखो यहाँ पर लिखा है मैंने सो एक्स वाई यू वी एक्स वाई जैड तो अपन किसी भी लैंग्वेज को पांच टुकड़ों में बांटना है और वही सेम कंडीशन ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है देखो वही तीन कंडीशन क्या तीन कंडीशन है देखो यहाँ पर अगर आपने पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेज आपको याद हो गया तो पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इजीली याद हो जाएगा तो इसमें क्या कह सकते हैं सेम चीज को अपन को रिपीट करना है सपोज कोई लैंग्वेज L दे रखी है क्या दे रखी है कोई लैंग्वेज L दे रखी है जिसमें कोई इंटीजर ले लिया अपन ने n n इज अ इंटीजर n अपन ने कोई इंटीजर ले लिया और इससे एल से कोई स्ट्रिंग जनरेट हो रही है डब्ल्यू जिसकी लेंथ जो है वो इस एन से बड़ी या इक्वल है इस एन से बड़ी या इक्वल है तो अपन इस डब्ल्यू को पांच टुकड़ों में बांट सकते हैं कौन कौन सा ये लैंग्वेज कौन सी है कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज तो पांच टुकड़ों में बांट सकते हैं कौन कौन से पांच टुकड़ों में यू वी एक्स वाई एंड जेड अब इन पांच टुकड़ों में अगर आप u, y की पावर तो अपन कर ही रहे थे उसमें साथ में आपको v की पावर भी करना है v की पावर आए y की पावर आई अपन करते हैं प्लस दूसरी कंडीशन उसमें क्या थी आपको ध्यान हो तो y जीरो से बड़ा था तो यहाँ पे क्या आ जाएगी v और y जो है वो आपके जीरो से बड़े होने चाहिए वहां पे केवल वाई v और y है दूसरा या वहां पे अपन कह रहे थे कि x और y की लेंथ एक्स और वाई की लेंथ जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एन होनी चाहिए तो यहाँ पर देखो यहाँ पे वी और वाई तो है बीच में एक्स भी आ रहा है क्योंकि एक्स उन दोनों के बीच में आ रहा है तो उसको भी अपन को लेना पड़ेगा तो यहाँ अपन क्या लिख लेते हैं वी एक्स एंड वाई की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए पी के दैट्स इट आपका प्रोग्राम हो गया आपकी पंपिंग लेमा होगी तो क्या तीन कंडीशन है अगर कोई लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो अगर उस लैंग्वेज को एल मान रहे हैं तो देर इज एन इंटीजर एन वे द लैंग्वेज फिर अपन ने कोई स्ट्रिंग ले ली डब्ल्यू जो उस लैंग्वेज से जनरेट हो रही है जिसकी लेंथ उस इंटीज़र एन से बड़ी या इक्वल हो सकती है उसको अपन तीन टुकड़ों में बांट सकते हैं कौन कौन से तीन टुकड़े U, V, X, Y एंड Z, जिसमें कंडीशंस क्या लिखा अपन ने पहली चीज़ U वी और वाई की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए मतलब एक एक से बड़ी कोई भी हो सकती है दूसरी चीज़ वी एक्स एंड वाई उसकी लेंथ इंटीजर एन से छोटी या इक्वल होनी चाहिए और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू वी की पावर आई एक्स वाई की पावर आई जेड उसमें आई की वैल्यू पर कुछ भी रखें तो तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू लैंग्वेज वो लैंग्वेज को बिलोंग करनी चाहिए अगर ये तीन चीज़ें होती हैं तो आपकी लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फ्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है लेकिन अगर ये तीनों में लास्ट वाली तीसरी कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अपन बोलें ये वाली तीसरी मतलब यहाँ पर पहली कंडीशन लिखिए ये वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर ये फेस होगी इसका मतलब आपकी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है तो कोई भी लैंग्वेज ले लो उसको इस भागों में डिवाइड कर दो जैसे कल मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको ए टू दी पावर एन बी टू दावर एन सी टू दी पावर एन अब इस ए टू दी पावर एन बी टू दावर एन सी टू दावर एन को अपन क्या कर रहे हैं आ, कोई पंपिंग लेंथ ले लेते हैं फिर इसको अपन डिवाइड करना चाह रहे हैं अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखो किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं फॉर एन एग्जाम्पल लेट हैव अ लुक इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ देखे यहाँ पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज एक की पावर एन माइनस टू कुछ भी ले लिया या आपको समझाने के लिए इजी कर लेता हूँ इजी कॉन्सेप्ट लेते हैं जैसे हमें लिख दिया ए की पावर पी ठीक है फिर हमें लिख दिया ए लिख दिया देन बी लिख दिया ए बी लिख दिया देन मैं लिखता हूँ बी की पावर सपोज आर और देन यहाँ लिखता हूँ मैं बी देन सी देन सी की पावर एस तो यहाँ पर ये पांच टुकड़े आए इस पहले टुकड़े को मैं बोल रहा हूँ U, दूसरे टुकड़े को बोल रहा हूँ V, तीसरे टुकड़े को बोल रहा हूँ X, Y एंड Z। तो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया है आप और भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल में कल बताया था कि V और Y जो है इसके अंदर दोनों डिफरेंट डिफरेंट सिम्बल है आप चाहें तो इनमें सेम सिम्बल भी ले सकते हैं जैन कि दो बार ए दो बार बी या तीन बार ए तीन बार बी कोई भी कॉम्बिनेशन अपन ले सकते हैं ठीक है अब देखें आगे या फिर ये ये ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा ये केवल बी का या केवल सी का कॉम्बिनेशन ये भी अपन ले सकते हैं अब कुछ भी नहीं है अगर आप देखोगे तो वी और वाई जो है इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है इट इज लेस देन इक्वल्स टू एंड अब यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो कि सर ये इस तो पावर एन है यहाँ पे बी ऑलरेडी इसमें भी आया इसमें भी आया तो बी की पावर एन होगी है तो यहाँ पे एन कोई भी एक इंटीजर हो सकता है ना कोई एक इंटीजर आप ले ले जो कि इसमें अपन ले रहे हैं तो कोई इंटीजर ले, ले लिया जिससे इसकी पावर बड़ी है तो माना कि ये तीनों उससे बड़े हैं वी एक्स वाई एन जेड और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन एक्स यू वी आई एक्स वाई की पावर आई जेड मस्ट बी बिलोंग टू एल फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई ग्रेटर than इक्वल्स टू वन आई की वैल्यू एक से एक से अधिक कुछ भी होगी तो ये क्या होना चाहिए एल में बिलोंग करना चाहिए अब यहाँ पर इनकी पावर में सपोज इनकी पावर लगाता हूँ टू इनकी पावर लगाता हूँ थ्री फॉर एग्जाम्पल और इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो इस एल को इस एल जो अपन ने लिया है उसको बिलोंग्स नहीं करेगा नहीं करेगा इसका मतलब ये लैंग्वेज क्या है ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है क्या नहीं है कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज नहीं है तो सिमिलरली अगर आपको पंपिंग लेमा फॉर द रेगुलर लैंग्वेज याद है तो पंपिंग लेमा फॉर कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी बस वहाँ एक्स वाई जेड के आगे यू वी लगा देना और वी की पावर आई कर देनी है दैट्स इट फिर सेम कंडीशन वी और वाई जीरो से बड़ा होना चाहिए वी एक्स वाई के पावर लेस देन होनी चाहिए एन के और यू की पावर i x y की पावर i z उसमें i की वैल्यू कुछ भी रखें वो l को बिलोंग करना चाहिए अगर बिलोंग नहीं करता है तो वो लैंग्वेज कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है बताइए अब आपको कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज फॉर वी कैन से पंपिंग लेमा फॉर द कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आया आपको यस और नो क्या पंपिंग लेमा फॉर द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज समझ में आया आपको बहुत बढ़िया अगर ये दोनों चीज समझ में आ गई तो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको याद होने चाहिए यस सर ओके थैंक यू और ये इसके एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने कल आपको बताए थे या देखो ये स्टेप्स मैंने लिख रखी हैं सेम चीज और ये प्रूफ दे दिया केस वन वेयर वी और वाई कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या क्या देखो ये ए ए बी भी लिया है बी बी सी सी लिया तो एक से अधिक वेरिएबल ये कंटेन कर रहा है मोर देन वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल एक से अधिक टाइप के वेरिएबल को ये कंटेन करके रख रहा है और दूसरा केस अपन ने क्या लिया था ये यू वी एक्स वाई जेड और वी की वैल्यू को अपन वी और वाई की वैल्यू में पावर लाएंगे तो आपका रिजल्ट उसमें बिलोंग नहीं करेगा और तीसरा अपन ने केस क्या के लिखा दूसरा केस क्या लिखा वी एंड वाई कंटेन द ओनली वन टाइप्स ऑफ वेरिएबल तो यहाँ देखो यहाँ पे वी लिए लिया अपन ने ए और वाई ले लिया अपन ने सी तो इससे क्या हो गया अच्छा आपको लास्ट में दिख रहा है गिव मी वन मिनट पूरी स्लाइड नहीं आ रही आपके ओकेट इज ओके चलो सो so, यहां पे ले लिया अपन ने यू वी एक्स एंड वाई एंड द लास्ट वन इज जेड

सो इट इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल ये आपका था पंपिंग लेमा के बारे में ठीक है एनी क्वारी एनी क्वारी इन दिस पंपिंग लेमा यस एंड नो कोई क्वारी किसी की कोई समझ में आया कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट अदरवाइज आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक जल्दी से बताइए कमेंट करके बताइए आप लोग चलो ओके नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट वेरी नाइस सी नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट यूनिट दैट इज अ ट्यूरिंग मशीन अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो मशीन के नाम पे अपन ने पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा फिर अपन ने पढ़ा था एक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी आता है जो मैं आपको बता दूंगा फिर एक आता है आपका ट्यूरिंग मशीन ठीक है फाइनल ऑटोमेटा की जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं अपन रेगुलर लैंग्वेज लैंग्वेज को क्या बोलते हैं अपन रेगुलर लैंग्वेज फिर पोस्टन ऑटोमेटिकली जो लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट फ्री लैंग्वेज लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा के लिए कॉन्टेक्स सेंसेटिव लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन के लिए अब एक आपका आता है रिकर्सिव और एक होता है रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज ठीक है रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज जनरलेबल लिखते हैं सबसे पहले वाले को इसको बोलते हैं टाइप जीरो टाइप वन टाइप टू सॉरी टाइप थ्री टाइप टू टाइप वन और टाइप जीरो इस तरीके से अपन ने डिवाइड किया था ठीक है और जो लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज भी अपन ने लिख ली ऑटोमेटा भी लिख लिया और एक ग्रामर होती है तो इसको बोलते हैं रेगुलर ग्रामर इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर कॉन्टेक्ट सेंसिटिव ग्रामर और रिकर्सिवली यूनिमरेबल ग्रामर तो इस तरीके से ग्रामर और ये सारी चीज़ें होती हैं ये डायग्राम अपन देख चुके हैं तो अभी अपन ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं बाउंडेड ऑटोमेटा आपका बचा हुआ है उसको मैं भी कवर कर दूंगा जब वो टॉपिक आएगा तो सिंपल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ट्यूरिंग मशीन का और फिर अपन पेपर्स देखेंगे और क्या क्या टॉपिक्स अपन ने कर लिए हैं उनमें से क्या क्या एग्जाम में आया है और किस तरीके से अपन को आंसर देना है वो भी अपन चेक करेंगे ठीक है ओके बढ़ते हैं आगे सो so, फाइनाइट ऑटोमेटा और पुस्ट ऑन ऑटोमेटा ओनली मूव लेफ्ट और राइट बट ट्यूरिंग मशीन कैन मूव इन द दॉ डायरेक्शन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि जो फाइनाइट uh, ऑटोमेटा की बात करें या अपन बात करें पुस्ट ऑन ऑटोमेटा तो वो जो है या तो अपन उसको लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो सीधा लेफ्ट की तरफ जाएगा या फिर राइट की तरफ मतलब अपन स्ट्रिंग को जब स्कैन करते हैं तो अगर लेफ्ट से स्कैन करेंगे तो लेफ्ट की तरफ स्कैन करेगा राइट से स्कैन करेंगे तो राइट की तरफ स्कैन करेगा जैसे ए टू दावर एन बी टू दावर एन अपन ने लिखा है तो इसको स्कैन अपन कुछ इस तरीके से कर देंगे तो ये ऐसे ही जाएगा कि आपने सबसे पहले ए को पुश करते गए तो आपने ए को सारे स्कैन कर दिया फिर जैसे बी आया ए को पॉप करते गए फिर अपन ने बी को स्कैन किया तो कुल मिला के अगर अपन इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से जा सकते हैं और अगर इसको इस तरीके से रीड कर रहे हैं मतलब राइट टू लेफ्ट रीड कर रहे हैं तो किसी एक डायरेक्शन में इन सिंपल वर्ड वी कैन से द टूरिंग मशीन इन फाइनेट पुस्टर्न ऑटोमेटा एन फाइनेट ऑटोमेटा कैन मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन बट ऑनली इन दन डायरेक्शन बट द टूरिंग मशीन हैविंग द पावर टू मूव इन एनी डायरेक्शन वी कैन से लेफ्ट और राइट एक साथ वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है सो ट्यूरिंग मशीन वॉज प्रपोज बायन ट्यूरिंग इन नाइनटीन थर्टी सिक्स उन्नीस सौ छत्तीस में यह प्रपोज किया गया था बाई द वी कैन से एटी एलन ट्यूरिंग उन्होंने इसको प्रपोज़ किया था इट इज़ यूज टू एक्सेप्ट रिकर्सिवली इन्यूवरेबल लैंग्वेज जनरेटेड बाई द टाइप जीरो ग्रामर देखो अब टाइप जीरो आ चुका है टाइप थ्री पढ़ा टाइप टू पढ़ा टाइप वन बचा हुआ है इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के वो भी अपन क्वेश्चन में कवर कर लेंगे जब वो टॉपिक आएगा ईजी है कुछ भी खास नहीं है उसके टाइप में सारा बता दूँगा तो इसको क्या बोलते हैं के लिए अपन कौन सी मशीन यूज करते हैं ट्यूरिंग मशीन का यूज करते हैं और ट्यूरिंग मशीन ऑफ इनफाइनाशन कैन बी रिफॉर्म परफॉर्मड डायग्राम सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसका डायग्राम है फिर थ्योरेटिकल चीजें बता देता हूँ अगर आपको पोस्टन ऑटोमेटा याद हो तो ऑटोमेटा में क्या था आ, याद करें वापस या लिख के बता रहा हूं यहां पे आपकी स्ट्रिंग थी जिसको अपन स्कैन कर रहे थे यहां पे आपका स्टैक था जिसमें आपका Z0 पड़ा हुआ था यहाँ पे आपका कंट्रोल था जो कि इस पर कंट्रोल कर रहा था तो जैसे आपकी स्ट्रिंग आई सपोज ए, ए ए ए बी 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 एट द एंड क्या होगा डॉलर या एप्सनॉल तो जब भी अपन स्ट्रिंग को रीड कर रहे हैं यहाँ से अपन रीड कर रहे हैं तो ये यह चीज़ यहाँ से रीड करके वो आपका सिंबल लेके यहाँ पे पुट करता है और यहाँ पे पुट करके वो फाइनइट ऑटोमेटा पोस्टर्न ऑटोमेटा सॉरी पोस्टर्न ऑटोमेटा को कन्वर्ट करता है पुस्टर्न ऑटोमे फाइनेट ऑटोमेटा या नॉन डिटोमिस्टिक पुस्टर्न ऑटोमेटा डिटोमस्टिक पुस्टन ऑटोमेटा दोनों आपके आते हैं ठीक है तो इस तरीके से वो कंपैक जनरेट हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है देखो एक टेप होती है इट इज योर टेप एक फाइनाइट कंट्रोल होता है यहां भी फाइनाइट कंट्रोल था आपका रीड और राइट करता है दैट्स इट और इसको अपन मूव करते हैं लेफ्ट और राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं तो ये आपके टेप है टेप इज कंटेन नथिंग बट द स्ट्रिंग जिसको अपन को स्कैन करना है इसी टेप में सारा काम हो जाता है स्टैक वगैरह की इसको आवश्यकता नहीं है अलग से ये टेप इज कंटेन द मेमरी तो ये भी मेमरी कंटेन करता है जो फाइनाइट कंट्रोल है ये लेफ्ट की तरफ भी मूव कर सकता है और राइट right की तरफ भी मूव कर सकता है और ये रीड राइट हेड है रीड राइट हेड का मतलब क्या हो सकता है पहले जो अपन ने दिखा था कौन सा पोषण ऑटोमेटा में उसमें वो केवल रीड कर रहा था और टेप में वैल्यू को राइट कर रहा था पर यहाँ पर ये जो फाइनेट कंट्रोल है ये रीड भी करेगा और राइट भी करता जाएगा दोनों ऑपरेशन को एक साथ करेगा ठीक है तो ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट टपल ऑफ सेवन वेरिएबल्स कौन कौन से वेरिएबल्स हैं यहाँ देखो वहाँ पे इसमें और उसमें बस इतना सा फ़र्क है कि वहाँ पर यहाँ पर बी की जगह जेड ज़ीरो था जो कि इनिशियल वेरिएबल ऑफ़ स्टेट था इनिशियल सिंबल ऑफ द स्टेट वहाँ पर भी टॉय था वहाँ पर भी ट्रांजेक्शन था क्यू था F है क्यू ये चीज़ें तो सब में आती हैं यहाँ पर एक और दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बाकी पाँच चीज़ें तो सब में ही हैं तो टूरिंग मशीन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ टपल ऑफ सेवन वेरिएबल्स कौन कौन सा

नाउ देखें क्यू इज अ फाइन सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन इज ए इनपुट अल्फ़ाबेट और T इज अ टॉय टेप अल्फाबेट टेप के अंदर जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे अपन टेप ले रहे हैं पिछली बार अपन ने क्या लिया था स्टेक लिया था इसको अपन टेप बोल रहे हैं ये uh, आपका ट्रांजेक्शन फंक्शन है देन वी कैन से इनिशियल स्टेट आपकी क्यू नॉट है एंड बी इज नथिंग बी जो है वो आपका यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द ब्लैंक ब्लैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बी लिखते हैं और ये क्या है टेप वेरिएबल है टेप सिंबल है ठीक है चलो और एफ क्या आपका सेट ऑफ स्टेट्स है तो ये आपका एग्जांपल है इसमें ट्रांजिशन फंक्शन क्या है यदि किसी स्टेट क्यू पर आप टेप सिंबल टॉय अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्या करोगे उस उसके किसी स्टेट सिंबल पे आप पहुंच जाएंगे क्यू पे टॉय सिंबल अप्लाई करने के बाद लेफ्ट और राइट आर एल और आर यहां पे क्या है इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि आप लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं राइट right भी मूव कर सकते हैं ठीक है इट इज योअर टेप डाइग्राम ऑफ दिस ट्यूरिंग मशीन दैट्स इट तो इतना आपको याद रखना है कल अपन ट्यूरिंग मशीन को शुरू कर देंगे और जो आपका टाइप वन बचा हुआ है वो भी अपन अगली अपकमिंग क्लासेस में जैसे वो टॉपिक आएगा उसको भी मैं कवर करवा दूंगा ठीक है सो एनी डाउट स्टूडेंट्स टेल मी एनी डाउट एनी क्वेश्चन में आया आपको जस्ट सर नो सो थैंक यू वेरी मच